हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, जिन पर जिनकी मेरे ऊपर कृपा है, सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड करता है। वो विपक्ष के अन्य माननीय नेताओं से बातचीत करेंगे, रणनीति तय करेंगे, सारी चीज सब कुछ दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। सर, खबर ये चल रही है कि विपक्ष के तमाम जो बड़े पार्टीज हैं उनसे बात हो गई है, ममता बनर्जी ने भी आपके नाम का जो सहमति जाहिर की है, राजनाथ सिंह जी से भी बात हो गई है, सब खबरें चल रही हैं। सर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जो खबरों के बारे में आप बता रहे हो, अन्य माननीय नेताओं के बारे में, सहमति के बारे में, चर्चा के बारे में, उन सब को मैं आभार प्रकट करता हूँ। सर, अगर आप अगर डिप्टी स्पीकर बनते हैं तो ये अयोध्या के लिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए या फिर विपक्ष के लिए कितनी बड़ी जीत होगी? सर, हैं, अगर आप डिप्टी स्पीकर बनते हैं तो ये अयोध्या के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, यूपी के लिए, विपक्ष के लिए कितनी बड़ी जीत होगी? अगर लगाने का क्या मतलब है, आने दीजिए, लेट द टाइम कम, लेट द टाइम कम। सर, आज संसद में ऑपोजिशन ने एक एजेंडा सेट किया है कि हमें ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है उसके ऊपर विरोध करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब अभी चल रहे हैं, अपने नेता से बातचीत करेंगे जी, और हमारे नेता की जो राय होगी और वो जो राय अन्य नेताओं से मिलकर बनाएंगे तो उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा, मैं भी शामिल रहूँगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।